गया है, सर्दी लग रही है बहुत यार, पागल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलियाबाद हुंजा। आज हमारा डे 4 और हम जा रहे हैं खुंजराब पास। तो दोस्तों यह है एपिसोड 4 का पार्ट 2 और आज का हमारा सफर पासू से खुंजराब तकरीबन 125 किलोमीटर तक बनेगा। पासू विलेज गुलमित के करीब एक गांव है। इस एरिया में दो बहुत खूबसूरत ग्लेशियर हैं, जिनमें से एक पासू ग्लेशियर है और एक बतूरा ग्लेशियर है। पासू ग्लेशियर बतूरा ग्लेशियर के साथ कनेक्ट है और बतूरा ग्लेशियर की कुल लंबाई 57 किलोमीटर है और इसका शुमार दुनिया के लंबे तरीन ग्लेशियर में भी होता है। पासू पहुंचकर दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। आप जितनी दफ़ा मर्जी यहाँ आ जाएं, यहाँ पर वक्त गुजार कर कभी भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। और जब भी हम सफ़र के दौरान यहाँ से गुजरते हैं तो हमें अल्लाह ताला का तख्लीक किया हुआ 3D व्यू देखने को मिलता है। और ये हम पहुंच गए हैं सुस्त वैली, जो कि पाकिस्तान का आखिरी टाउन है। और ये खुंजराब पास चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक होने की वजह से पाक चाइना की अहम तजारती शाहरा भी कहलाती है। दोस्तों आप लोगों को एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि सस्ता टूर करने के लिए इन एरियाज जैसा कि हुंजा, नरान, गिलगित वगैरह में आपको 2000 से 2500 तक की रेंज में बहुत अच्छा कमरा मिल जाता है। तो आप दोस्त अगर ज़्यादा हैं तो मिलके आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस तरह आपका जो रूम रेंट है वो पर पर्सन पे डिवाइड हो जाएगा, तो आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो फिर भी आप वहाँ पे उनसे जाके अगर आप बात कर दें कि मैं सिंगल हूँ, तो वो आपको सस्ता भी रूम दे देते हैं, 1000-1500 तक भी आपको मिल जाता है। जैसे जैसे हम लोग बॉर्डर की तरफ जाते जा रहे हैं, माशाल्लाह नज़ारे इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी सीनरीज हैं कि जब तक आप इनको आंखों से नहीं देख लेते, कैमरे की आंख आपको वो चीज़ नहीं दिखा रही। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत तरीन अल्लाह पाक ने पहाड़ बनाए हैं। और बाइक पर जो नज़ारा है वो आपको गाड़ी पर कभी भी नहीं मिल सकता। अगर आप किसी कार पर या कोस्टर पर किसी पर भी आते हैं तो जो नज़ारा आपको बाइक पर देखने को मिलता है उसका 50% भी मज़ा आपको कोस्टर पे या कार पे नहीं आएगा। तो सस्ता टूर करने का यही फ़ायदा है जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, अगर आप उन पे चलेंगे तो आप माशाल्लाह ये सारा नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं।
ये हम पंजाब जा रहे थे, ये दोस्त मिल गए हमें, और ये मून बट ने बड़ी हिम्मत दिखाई है भाई। चाइना का और हमारा बस चंद कदमों का फासला है, और सर्दी इतनी है कि बोला भी नहीं जा रहा। वो हालात आपके सामने है, मून बाट की जेब खुल गई है जैकेट की और बंद नहीं हो रही। आज मेरा जम गया, सुन हो गया है ही नहीं हाथ साथ। वो चाइना बॉर्डर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सामने चाइना के पहाड़ है, और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 6 पूरे, तो ये बंद हो जी। खुंजरा पास आए हैं और ये पुलिस वाले कह रहे थे कि टाइम ज्यादा हो गया, आपको नहीं जाने देंगे, बस ये बोर्ड तक जाने की इजाजत मिली है, इससे आगे नहीं जा सकते। ये मून बट और मैं वापस जा रहे हैं, रिक्वेस्ट की थी उनसे कि ये बनाने दें, तो उन्होंने बस बोर्ड तक जाने दिया। माइनस में टेम्परेचर है, हाँ जी। तो जी रिक्वेस्ट की थी तो इजाज़त मिल गई है, अब जा रहे हैं तस्वीर उतारने। तो खुंजरा पास के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे दें कि इसकी जो बुलंदी है वो 4,693 मीटर है, जो कि 15,397 फुट बनती है। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों को खुंजरा पास पे जाके सांस का इशू आता है, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसा मसला होता है, लेकिन यहाँ के एक लोकल ने मुझे बताया था कि अगर आप सूखी खुबानी मुंह में रख लें, उसको खाते रहें, तो आपको सांस का इशू नहीं आएगा। तो जिन लोगों के साथ ये मसला है वो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मून बट साहब पहुँच गए जी खुंजरा पास पे, बर्फ़ फुल है, 6 बज गए शाम के। खुंजरा पास से वापस जा रहे हैं जी, पुलिस वाले शोर में जा रहे हैं। बैठ जाता हूँ, क्या हो गया, सर्दी लग रही है बहुत यार, पागल है। खुंजरा की तरफ जाते वक्त आप लोग कोशिश करें कि जो नीचे वाली चेक पोस्ट थी जहाँ पे हमने एंट्री करवाई थी, वहाँ पर आप लोग 3-3:30 बजे तक पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर इसके बाद आप लेट हो जाते हैं तो वो चेक पोस्ट बंद हो जाती है, तो आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों खुंजराब का एपिसोड हमारा हो गया कंप्लीट, इसके बाद अब हम आपको स्कर्दू में मिलेंगे और स्कर्दू की एपिसोड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म से मुतल्लिक मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पे मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे रابطہ कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।